नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। राजकुमार जी स्वागत है आपका। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। जी जी नमस्कार, आदाब जी। हेलो सर, नमस्कार जी। आदाब, बताइए क्या सवाल है आपका। सर मेरा ना 8-9 साल हो गए नाक बंद रहता है, और मैंने ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाया था, वो कहते हैं कि हड्डी बड़ी हुई है, ऑपरेशन होगा। जी कितनी उम्र है आपकी? सर मेरी एज है 49। तो देखिए, मैंने लाखों मरीज़ ऐसे देखे कि जिनकी हड्डी बढ़ गई है, गोश्त बढ़ गया है, ऑपरेशन करा भी लेते हैं, लेकिन ये तकलीफ़ जाती नहीं है। ये तकलीफ़ जाती है आप जब रोग प्रतिरोधक क्षमता अपनी बढ़ाते हैं, और वो जो भी दवाइयाँ आपको मालूम है वो खाया करिए, या मैं भी आपको एक नुस्खा बताता हूँ घरेलू, और एक दवा भी बताता हूँ, क्योंकि आजकल इसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को और इसी की डिमांड भी है। देखिए, नुस्खे के तौर पर आप घरेलू उन्नाब, ये एक बेर होता है जो ईरान से यहाँ आता है, मिल जाता है आसानी से, लाल रंग का होता है, बिल्कुल लाल उन्नाब, और लिसोड़ा अलसी 100-100 ग्राम खरीद कर पाउडर बनाएं, और इसमें 20 ग्राम पीपलें जो हमारे किचन में होती हैं गरम मसालों में, आप नहीं जानते तो अपने किसी महिला से पूछिए घर में, तो वो बता देंगी पीपलें क्या होती हैं। 1-1.5 इंच की लंबी लंबी होती हैं, काफ़ी तेज़ होती है, मिर्चें भी होती हैं इसमें, तो इसलिए 20 ही ग्राम डालिए। सुबह शाम 1-1 चम्मच निहार मुँह, और यानी खाली पेट, और रात को सोते वक्त पानी के साथ लें, और 5 बार गर्म पानी पिए। ये काफ़ी दिन करना होगा, आपकी ये तकलीफ़ ठीक होना मुमकिन है। और दवा लेना चाहें तो माजून आर केयर इसमें बेहतर रिजल्ट दे सकती है। जी अगली कॉलर है राजस्थान से हमारे साथ, पूनम जी स्वागत है आपका। हेलो मैम। हाँ जी बताइए। मैम हमको सफेद दाग के बारे में बात करना है आपसे। जी, जी जी बता दीजिए, पूरी बात बताइए। सर डॉक्टर, हमको सफेद दाग हो रही है स्किन पर, और इसके लिए घरेलू उपचार। जी ठीक। अच्छा बेटा देखो, ये जो रोग है ये बहुत दिन में ठीक होता है, इतना आप ख्याल रखें, क्योंकि आप और मरीज़ परेशान हो जाता है इलाज करते करते, और डॉक्टर भी परेशान हो जाता है कि जल्दी ठीक होना चाहिए, लेकिन इसके रिज़ल्ट देर में आते हैं। एक तो आप एनिमल फैट छोड़ दें कुछ दिन के लिए, और बाबची एक नाम है दवा का, बाबची, ये एक खुशबूदार दाना होता है जो काले काले रंग के होते हैं, और मेथी से भी ज़्यादा खुशबू होती है, और काला काला सा होता है, और ऐसे साफ़ कर दो तो ब्राउन हो जाता है। तो 100 ग्राम ले लें ये, और 100 ग्राम आप लीजिए गौन मोरिंगा, इसके साथ इसको पाउडर बना लीजिए, और 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम गर्म पानी से लिया करें, खाली पेट भी ले सकते हैं, और अपने मर्ज पर नज़र रखें, जैसे ही इसका रंग बदलने लगे, सफ़ेद से कुछ और होने लगे, फ़ौरन हमसे कांटेक्ट करें, और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर करें। अगर फ़ोन नहीं मिल पाता, अक्सर लोग शिकायत करते हैं, क्योंकि काफ़ी फ़ोन होते हैं, सबसे बात नहीं हो पाती है, तो आप अगर फायदा होने लगे तो फिर छोड़ना नहीं, और रोजाना लगातार लीजिए। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर है पलवल से, सविता हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी, जी, जी सविता जी सवाल कीजिए अपना। सर मेरी उम्र 28 ईयर है, मेरे को नजला एलर्जेटिक नजला है, छींक बहुत आती जी। देखिए खबरदार रहिए आप, बहुत कम बाहर निकला करिए, बहुत ज़रूरत में खूब सैनिटाइज किया करिए, और गर्म चीज़ें खाया करिए। एक तो ये कि आपको ठंडी और खट्टी चीज़ें बिल्कुल नुकसान देंगी, और अगर इलाज करना है तो, क्योंकि मैं प्रोग्राम शुरू किया है तो यही फ़ोन आ रहे हैं सारे,
फिर नज़ला, नाक का हड्डी का बढ़ना, नज़ला रहना, छींके आना, तो वही नुस्खा मैं सबको बता रहा हूँ, आपको बता देता हूँ और दवा भी बता देता हूँ। दवा के तौर पर आप माजून आर केयर 5-6 महीने खाएं तो आपको इससे निजात मिलना मुमकिन है। और अगर घरेलू नुस्खा चाहिए तो आप देखिए उन्नाव लिसोड़ा, उन्नाव एक बेर होता है जो ईरान से इंडिया में लाया जाता है, वो आसानी से मिलता है, उन्नाव लिसोड़ा अलसी 100-100 ग्राम खरीदें और 20 ग्राम इसमें पीप लें, अपने किचन में इसे मिलाएं जो गरम मसालों में पाई जाती हैं, और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम, छोटा चाय का चम्मच भर के खाएं खाली पेट गर्म पानी से और रात को सोते वक्त, और जितना हो सके गर्म पानी पिएं। अगर ये लंबे वक्त तक आप खाते हैं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। अगली कॉलर हैं अनु, चंडीगढ़ से हमारे साथ, स्वागत है अनु जी आपका। हाँ जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार जी मैम, मुझे ना 3 महीने से ना बटेक से लेके पूरी लेग में इतना वर्स्ट पेन हो रहा है ना कि वो हटने को ही नहीं आ रहा है। जी उम्र बताइए बेटा आपने। सर बटेक से लेके ना पूरी लेग में पेन जा रहा है मेरे, और बहुत ही गंदे वाला मतलब दर्द होता है, मैं थोड़ा सा भी चलूंगी ना उसके बाद मेरा दर्द होने लग जाएगा और मेरी इम्यूनिटी पावर भी बिल्कुल जीरो लगती है। बेटा एज बता दीजिए अपनी, आयु बताइए। 28। हाँ देखिए ये दर्द तो सब आप कह रही है ना गंदा वाला होता है, दर्द तो सभी गंदे होते हैं, कहीं का भी दर्द हो वो गंदा ही होता है, कोई भी शरीफ नहीं होता। तो मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ और वो आप लें, खुद बनाएं, खुद शुरू करें और ख़ुद ठीक हो जाएं। और एक गोंद आता है गोंद स्या, ये 100-200 ग्राम खरीद लें, इसका पूरी हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में नाम है, लेकिन मिलता बहुत मुश्किल से है, नकली भी मिल जाता है तो असली लेना है। परेशानी हो तो आप हमें बताइए, हम भी आपकी मदद कर सकते हैं, असली ही लेना 100-200 ग्राम गोंद स्या यानी काला गोंद, घर में पाउडर बनाएं और आधा आधा ग्राम खाना है सुबह शाम, 5 दिन बाद आपको फ़ायदा शुरू होना चाहिए, और ये 100-200 ग्राम ख़त्म होते होते आपका रोग का खात्मा होना मुमकिन है जी। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं सुमन, कोलकाता से हमारे साथ, स्वागत है सुमन जी आपका। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। बोल रहे हैं तो कि हमको थायराइड ज़्यादा है, थायराइड और बाल झड़ रहा है, बाल एकदम पूरा आगे के झड़ गया, थोड़ा बचा है बाल। सुमन जी एज बताइए। एज है 30 है। ठीक है 30 है और माथा में दर्द हो रहा है। हाँ देखो बेटा सुमन, इस रोग का इलाज है, लेकिन आप मेरी बात गौर से सुने तब है और लिख लें तब है, आप लिख रहे हैं ना। देखिए 300 ग्राम धनिया का दाना आपके किचन में होता है, सबके कोई किचन ऐसा ही नहीं जिसमें धनिया नहीं होता हो, 300 ग्राम लीजिए धनिया, 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम मेथी, ये सब सूखी भी मिलती है, आंवला भी सूखा मिलता है, मेथी के बीज भी मिलते हैं, इसमें 100 ग्राम गोंद मोरिंगा मिलाना है, गोंद मोरिंगा आपको बाहर से लेना पड़ेगा और असली लेना पड़ेगा, इन सब की तो आपको पहचान है, गोंद मोरिंगा की पहचान नहीं है, ये नकली भी काफ़ी मिलता है, 100 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और सुबह और शाम एक एक चम्मच खाएं, वो गोली भी खाते रहे जो डॉक्टर आपको देता है, और आप देखेंगे कि हर महीने आपकी रिपोर्ट जो आएगी, पुरानी रिपोर्ट और नई रिपोर्ट आप देख लेना कि कितना फ़र्क पड़ता जाता है हर महीने, और आपका डॉक्टर मजबूर होकर आपकी गोलियां कम करेगा, उसकी पोटेंसी कम करेगा और धीरे धीरे छुड़ा देगा, और फिर ये भी छूट जाएगा, आपके बाल तभी आ सकते हैं और थायराइड जब भी कम हो सकता है जब आप ये लगातार खाएं। जी इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं विशाल हमारे साथ, स्वागत है विशाल जी आपका। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी वो विशाल के लिए पूछना, मेरा बेटा है आपकी। ठीक है। हाँ जी तो ना वो वीकनेस है उसके अंदर, 20 ईयर्स का है वो।
तो घबरा जाता है जब भी कोई काम बोलो उसको, बी टेक करी है उसने, बाहर जाने के लिए संकोच करता है, नर्वस हो जाता है किसी भी चीज के लिए। जी ठीक है, मेरी बात आप खूब गौर से सुनिए। धनिया 300 ग्राम, छोटी हड़ 100 ग्राम और आंवला 100 ग्राम, ये सब आप रॉ मटेरियल लीजिए, सब पिसे पिसाए मत लेना। धनिया 300 ग्राम, छोटी हड़ 100 ग्राम और आंवला 100 ग्राम, इसमें 20 ग्राम से 30 ग्राम तक छोटी इलायची मिलाइए और इसको खूब बारीक पीस लीजिए। और इसको पीसने के बाद आप या तो इसको पाउडर ही खिलाइए, एक चम्मच सुबह खाली पेट और एक चम्मच रात को, और या फिर आप इसको शहद में मिला दीजिए, इससे दोगुने शहद में, और सुबह शाम आप एक एक चम्मच खिलाएंगे तो बच्चे का ठीक होना मुमकिन है। बिल्कुल, इसी के साथ मोनिका हैं ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ, स्वागत है आपका मोनिका जी। नमस्ते जी। जी नमस्कार जी, आदाब जी। मैंने पूछना था जी, गौन गौन मरीजों, सिया गौन, ये ऑस्ट्रेलिया में मिल सकते हैं जी? वो बड़ा अजीब सवाल आपने कर लिया, मैं वाकिफ नहीं हूँ कि वहाँ मिलता है या नहीं, लेकिन आप इसको वेबसाइट से भी मंगा सकते हैं और हमारे यहाँ से भी मंगा सकते हैं। शायद ऑस्ट्रेलिया हमारे यहाँ से भी दवाएं जाती हैं, सारे मुल्कों में, जिन जिन देशों के हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे हैं उन देशों में ये दवाई मंगाई जा सकती है। अब हमारे हेल्पलाइन नंबर से भी इस बारे में बात कर सकते हैं, अगर वहाँ नहीं मिलता है तो फिर यहाँ से आप कोशिश कर सकते हैं। तो बिल्कुल मोनिका जी, आपसे कहना चाहेंगे कि हेल्पलाइन नंबर जो लगातार दिखाए जा रहे हैं, एक बार आप इन पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, और जो भी आपको परेशानी हो रही है या रॉ मटेरियल आपको नहीं मिल पा रहा है तो एक बार आप हेल्पलाइन नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। गुड़िया जी हैं बिहार से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ हेलो, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए और सवाल कीजिए अपना। बोल रहे ना, मेरा हाथ चमकट है, आखिर मेरा हाथ का ना आखिरी कट जाता, फट जाता, तो उसी के लिए दवा पूछ रहे। ठीक है, हाथ फट जाते, हाथ में कंपन होती है, हाथ फट भी जाते हैं। अच्छा देखिए, गौन मोरिंगा एक आधा ग्राम पानी में मिलाकर रोजाना लिया करें और ये एक्सरसाइज किया करें, ऐसे ऐसे दिन भर आप करते रहें, जितना भी आपको वक्त मिले, आधा आधा एक एक मिनट करके दिन में 5-10 बार करें तो आपकी ये तकलीफ ठीक होना मुमकिन है। तो गुड़िया जी, एक बार एक्सरसाइज कर लीजिएगा, और बहुत सारी बातें होती हैं जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो अगर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं या फिर कोई और बीमारी आपको है जिसके बारे में और डिटेल में बात करना चाहती हैं तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर लगातार दर्शकों फ्लैश किए जा रहे हैं 24 आवर्स, आप इन पर कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप सभी से कहना चाहूँगी, लाइव कार्यक्रम है, सीधा आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, कोई भी रोग संबंधी अपना कोई भी प्रश्न यहाँ पर कर सकते हैं। ये बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? तेजाराम जोधपुर से। ठीक है, सवाल? सवाल 3 mm की पथरी है और पोस्टेड बंडला है। ठीक है, अच्छा पथरी कौन सी जगह पर है? लेफ्ट साइड में पथरी है 3 mm की। अच्छा, किडनी में है ना? हाँ सर। ठीक है, देखिए एक तो पानी खूब पिया करें आप, 3 mm की पथरी बहुत बड़ी नहीं होती, आसानी से निकल सकती है, या तो आप कैप्सूल पी केयर लेना शुरू करें सुबह शाम और खूब पानी पिया करें, जब भी पिए 2-3 गिलास पानी पिए और कैप्सूल पी केयर खाएं, और या फिर एक पौधा आता है जिसे पत्थर चट्टा कहते हैं, पत्थर चट्टा नाम का एक पौधा होता है,
एक दो फिट का गमले में बेचते हैं लोग, और इसका पत्ता मोटा सा होता है, थोड़ा आम पत्तों से मोटा होता है और हल्का सा खट्टापन लिए होता है, मामूली सा। इसके दो तीन पत्ते लें और आधी चम्मच खसखस और एक दो नींबू का रस में इसको पीस कर पानी में मिलाकर पिए दिन में तकरीबन दो बार, तब भी आपकी पथरी निकलना मुमकिन है, या फिर पी केयर लेंगे तो आपकी ये दोनों परेशानियाँ ठीक होना मुमकिन है।